दोस्तों, आपने कोई ऐसी फोटो डाउनलोड की है जिसमें कोई वाटरमार्क है या कोई लोगो वगैरह है, या आपने फोन के कैमरे से कोई ऐसी फोटो क्लिक की है जिसमें जिसके बैकग्राउंड में कोई अनवांटेड ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपके फोटो के लुक को खराब कर रही है, और आप उसे रिमूव करने के लिए तरह तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट में विजिट करते हैं, फिर भी आप अच्छे तरीके से अपने फोटो के बैकग्राउंड के उस अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं कर पाते और आपके फोन का जो डेटा है वो भी बर्बाद हो जाता है, बेकार चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहाँ आप सभी को बताऊँ कि हम सभी के स्मार्टफोन में एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग छुपी हुई है जिसकी मदद से आप बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया आप अपने किसी भी फोटो के किसी भी तरह की बैकग्राउंड के जो ऑब्जेक्ट है आप उसे रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए, तो आपका भी जवाब यही होगा कि हमें नहीं पता है। आप में से कई लोगों को नहीं पता है दोस्तों, जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से बिना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं और ये प्रॉपर तरीके से काम भी करती है। जी हां दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है घनश्याम धीवर और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एंड टिप्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया आप अपने फोटो के बैकग्राउंड के किसी भी तरह के अनवांटेड ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फोन के गैलरी पे जहां हमारे सभी फोटोज होते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरा ये एक फोटो है, बैकग्राउंड में एक आदमी का यहाँ पे फोटो आ चुकी है जो मेरे फोटो के लुक को खराब कर रही है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ। या आप यहाँ भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक बंदा खड़ा है जो मेरे ही कैमरे की ओर देख रहा है जो मेरे फोटो के लुक को खराब कर रहा है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। और भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके फोटो में किसी तरह का कोई लोगो या वाटरमार्क है उसे भी रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों, उसे करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जब भी आप अपने फोन के गैलरी में कोई फोटो को इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहां से शेयर का, एडिट का, डिलीट का और थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से सेटिंग्स आपको जरूर देखने को मिलते होंगे। तो यहीं पर आपको क्या करना है दोस्तों, एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आप अपने फोटो पे फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह क्रॉप कर सकते हैं अपने फोटो को, यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सभी चीज़ों को। तो यहीं पे एंड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों इरेजर का, इरेज का। अक्सर आप इस सेटिंग को देखते होंगे तो आप यही सोचते होंगे कि आप फोटो से कोई चीज़ को इरेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इस इरेज सेटिंग का काम है आप अपने फोटो के बैकग्राउंड से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों मान लीजिए इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से मैंने इस पे इस तरीके से सिलेक्ट किया, जैसे ही छोड़ता हूँ देख सकते हैं आप यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट गायब हो चुकी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मेरे फोटो के नीचे में एक वाटरमार्क आपको देखने को मिल रहा है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो वाटरमार्क में भी इसी तरीके से मैं स्वाइप कर आप देख सकते हैं गायब। तो इस तरीके से आप यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करके आप यहां जैसे सही के निशान पर क्लिक करते हैं और सेव करते हैं, मेरे फोन के गैलरी में सेव हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं और कोई फोटो को मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप यहां देख सकते हैं मेरे फोटो के बैकग्राउंड में एक बंदा जो मेरे ही मोबाइल के कैमरे की ओर देख रहा है जो मेरे फोटो के लुक को खराब कर रहा है, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहां एडिट पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट वाले ऑप्शन इरेजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आप उस ऑब्जेक्ट को लाइक कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, आप आराम से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां जल्दी जल्दी आप सभी को करके दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही छोड़ेंगे तो आप यहां देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यहां से बिल्कुल ही गायब हो चुकी, थोड़ा सा भी हमें यहां देखने को नहीं मिल रहा, और अगर थोड़ा बहुत कहीं पे छूट जाता है तो आप फिर से वहां पे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अब आप इस फोटो को देख सकते हैं, इस फोटो में भी बैकग्राउंड में यहाँ पे एक बंदा जा रहा है जो मेरे फोटो के लुक को खराब कर रहा है, तो मैं इसे भी रिमूव करना चाहते हैं। या आप किसी भी तरह की जितनी सी भी बड़ी मुश्किल से मुश्किल जो ऑब्जेक्ट है उसे रिमूव करना चाहते हैं तो वो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन इरेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आराम से इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, जितनी दूर में वो ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। पूरी तरीके से इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ टच से अपना हाथ हटाएंगे, रिमूव हो जाती है लाइक कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से एक सेकंड के अंदर यहाँ मेरे फोटो के बैकग्राउंड का वो जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट था वो रिमूव हो चुकी है। अपने फोन के गैलरी में सेव करने के लिए नॉर्मली हम यहीं सही के निशान पर क्लिक करके अपने फोन के गैलरी में यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और ये सेव हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट है तो उसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस फोटो में यहाँ पे तितली का आपको आइकन देखने को मिल रहा है, तितली वाले फोटो को मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहता हूँ बैकग्राउंड से, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, एडिट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन इरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उतने दूर के तितली को जो बटरफ्लाई का जो हमें चित्र देखने को मिल रहा है उतने दूर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगी, आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ ओरिजिनल वाला दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल, जैसे मैंने ठीक यहाँ गायब कर दिया तो आप देख सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, काफी कमाल की ट्रिक, बिना कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड किया आप इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो के बैकग्राउंड के किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट को अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं और अपने फोन की गैलरी में सेव करने के लिए सही के निशान पर क्लिक करके यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और ये आपके फोन की गैलरी में सेव भी हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
सो आई होप आप सभी को स्मार्टफोन में छुपी ये सीक्रेट सेटिंग वाली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस सेटिंग के बारे में जानकारी नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आने वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।